परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे ते दूर नेड़े बैठ के सुन रहे सब सत्संगी जनों आप लगातार लड़ीवार इतिहास दी कथा सरवण करदे आ रहे हो। पिछलियां दिनां दे अंदर आप संगतां ने सुनिया सी कि तन श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह महाराज बादशाह दरवेश श्री आनंदपुर साहिब दा किला खाली करके अपने सिखां ते सेवकां समेत कीर्तपुर साहिब तो अगे आ जांदे ने। श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह महाराज जी दी वड्याई दे अंदर 1906 विच उर्दू भाषा दे अंदर एक पुस्तक लिखी गई जिस पुस्तक दा नां रखिया गया उसाने उमरी गुरु गोविंद सिंह। और पुस्तक नू लिखण वाले लेखक दा नाम राइटर दा नाम है लाला दौलत राय। और लाला दौलत राय कोई आम मनुख नहीं है, आर्या समाज दा कट्टड़ ते उगा प्रचारक है, लाहौर दा रहण वाला। ये जीवनी लिख रहा है श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह महाराज जी दी और लिख भी बाखूबी ढंग दे नाल रहा है। इसनू किसी ने सवाल किया भी तेरी कलम विचों जीवनी निकलनी चाहिए सी स्वामी दयानंद जी दी, तू लिख रहे हैं श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह दी जीवन कथा, पर क्यों? इहदा कारण वो कहिंदा है कि मैं लेखक होण दे नाते ईमानदारी तो कम लेना चाहिया। ईमानदारी तो लेखक कोई भी होवे, किसी इज़म दा होवे, किसी जात बरादरी मजहब दे नाल उहदा संबंध होवे, पर जिहदे हथ दे अंदर कलम है, कलम दे अंदर पातशाह ने ताकत बख्शी, उस लेखक नूं ईमानदारी दे नाल ही कम लेना चाहिदा है। अगर लेखक गलत लिखना शुरू कर दवे ते समा पा के आउण वालियां जनरेशन दे मना दे अंदर कुछ गलत विचार एक लिखत दे कारण ही बन जाया करदे ने। वो कहिंदा है मैं रैबरी पैगंबरी पुरशां दा इतिहास पढ़ना ते खोजना शुरू कीता, मेरे मन दा विचार सी मैं जीवन कथा लिखां, पर लिखां किसे मुकम्मल पुरश दी, अधूरे दी नहीं। अधूरे दी कथा की लिखनी होई, लिखां ते किसे मुकम्मल ते पूरन दी कथा। वो कहिंदा है कई जीवनियां पढ़न तो बाद पढ़द्या पढ़द्या मेरे ध्यान विच एक गल आई कि क्यों ना श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह दा जीवन भी पढ़ के वेख्या जाए। कहिंदा बस जीवन नू पढ़िया ते मेरा ध्यान इत्थे रुकिया। मेरे मन दे अंदरों आवाज आई कि जीवन कथा लिखनी है ते फिर गुरु गोविंद सिंह पातशाह महाराज जी दी लिखिए, जिन्हू किसी भी पास्यों कमा के वेखिए, हर पासे तो हर एंगल तो हर पक्ष तो जेड़े पूरन ने, अधूरापन किसी पास्यों नहीं है। अगर वह गृहस्थी ने ते ता मुकम्मल, अगर वह संत ने ते ता मुकम्मल, अगर वह छपाई ने ते ता मुकम्मल ने, उस तो बाद दाता ने ता मुकम्मल ने, जाचक ने ता मुकम्मल ने, सर्ब गुण संपन्न शख्सियत धन श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह महाराज जी की कथा लिखते ने साहिबे कमाल गुरु गोविंद सिंह बुक दे अंदर लाला दौलत राय जी। अज उस पुस्तक दा पंजाबी दे अंदर तर्जमा होया मिलदा है ते आम लाइब्रेरियां दे अंदर पई हुई ओह किताब मिलदी है, पढ़न योग है, पढ़ के वेखनी चाहीदी है। खैर उन्होंने अपनी पुस्तक दे अंदर दो सत्रां लिखियां, ओह कहिंदे ने हे गुरु गोविंद सिंह पातशाह, जिस उम्र दे अंदर बंदा पाई पाई जोड़ के अपना घर बनाउंदा है, जफर जाल के हेरा फेरी करके तरह तरह की मेहनत मुशक्कत 18-18 घंटे काम करके बंदा घर बनाउंदा है, गुरु गोविंद सिंह तुसी उसे उम्र दे अंदर अपना घर छड्ड के जा रहे हो और बनाया तुहाडे पिता ने, कुछ बनाया तुसी,
जिस उम्र दे अंदर बंदा घर बनाउंदा है तुसी घर नूं त्याग के सदा वास्ते तलांजली दे के आनंदपुर नूं नमस्कार करके खाली करके जा रहे हो। आनंदपुर दा किला पशु परिंदियां नूं कदी ध्यान दे के वेखो, सूरज दी आमद दे नाल रुखां तों परिंदे उड़ने शुरू हुंदे ने, चोगा चुगदे ने, दाना दुनका आप खांदे ने, अपने बच्चियां दे मुंह विच पाउंदे ने। पर जिवें शामा दा वक्त हुंदा है तिवें ही उन्हां दे अपने बनाए हुए घर जिहड़े रुखां दे उत्ते कौंसले रुखां दे उत्ते आलणे ने, ओह परिंदे भी उड़दे उड़दे शामा नूं रुखां दे उत्ते अपने आलणियां दे अंदर अपने आशियानियां दे अंदर सिर छपाउण लई आ जांदे ने। पर जा रहे ने। दरवेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह महाराज जी जिहड़ा घर बनाया सी उहनूं छड्ड के जा रहे ने। अगे अजे टिकाणा कोई नहीं है कि जाके ठहरना किथे है। अंतरजामी सतगुरु ने पर दुनियावी सोच दे मुताबिक कह लिए कि अगे घर कोई नहीं है, पिछला छड्ड के जा रहे ने, पिछले नूं त्याग के जा रहे ने। जिस उम्र दे अंदर बंदा आप भुखा प्यासा रह के अपने बच्चियां दी लालना पालना करदा है, हे गुरु गोविंद सिंह पातशाह तुसी उस ही उम्र दे अंदर साहिबजादियां नूं शहीद करवा रहे हो। उस उम्र दे अंदर जिस उम्र दे अंदर बच्चा पिता नूं बड़ा प्यारा लगदा है ते पिता बच्चे नूं गलवकड़ी दे अंदर लै के छाती दा निग दे के मुंह मत्था चुम के अपनी हसरत पूरी करदा है, बच्चे नूं लाड़ प्यार देंदा है, तन गुरु गोविंद सिंह पातशाह आप अपने हत्थी तैयार कर करके उन्हां नूं चमकौर दे जंग दे अंदर शहीद होण वास्ते तोर देंदे ने। दरवेश पिता गुरु गोविंद सिंह पातशाह आनंदपुर साहिब दा किला खाली कर देंदे ने। 6 महीने दे घेरे तों बाद 6 ते 7 पोह दी विचकारली रात नूं दिसंबर दा पहला हफ्ता बनदा है। रात दे चौथे पहर ते गिनती दा 1000 कु सिंघ नाल है उन्हां नूं लै के आनंदपुर साहिब दा किला खाली करके अगे पहुंच जांदे ने। इक बेनती करां, अजिहा दिल गुरु गोविंद सिंह पातशाह महाराज जी दे कोल नहीं सी। खुदावंद करीम वल्लों इस तरह दा मन गुरु गोविंद सिंह पातशाह दे कोल नहीं सी कि जो मुसीबतां नूं वेख के मुसीबतां तों सहम जाए। इस तरह दा दिल गुरु गोविंद सिंह पातशाह दे कोल नहीं सी जो ना उम्मीदियां तों घबरा जाए। इस तरह दा मन पातशाह दे कोल नहीं सी जो तकलीफां नूं वेख के ते मुंह फेर के अपना रस्ता बदल के निकल जांदे। कोई समझौता करना चाहुंदे कर सकदे सन। औरंगजेब जंगीरां दे रहा है, तन दौलत उन्हां दे कदमां विच राज सरकार वल्लों पेटा हो रहे ने, पर कोई समझौता नहीं क्योंकि वह वकाऊ नहीं सन। अज दे लीडरां वांग कौम दी पिठ दे अंदर शुरा मारन वाले वकाऊ नहीं सन। चाहुंदे ते बहुत कुछ बना के किधरे अपना कारोबार बना के बाल परिवार बच्चियां नूं पाल सकदे सन, पर ऐसा नहीं कीता। इस तरह दा मन गुरु गोविंद सिंह पातशाह दे पास नहीं सी जो मुश्किलां तों भय खा जाए, मुश्किलां तों डर जाए, जो ताकत नूं वेख के ते ताकत दे सामने झुकना जानदे ने। इस तरह दा मन वी पातशाह दे कोल नहीं सी। 700 साल दी लम्मी गुलामी दी जंजीर तोड़न वास्ते गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने कदम चुके ने, ए बीड़ा चुकया है। पर अफसोस कि जिन्हां नूं अपने कहा जांदा है ओह भी गुरु गोविंद सिंह पातशाह दे विरोधी बन गए। मुगलां ने ते बनना ही बनना सी, ओह भी विरोधी बन के खड़े हो गए। खैर, कीर्तपुर साहब तों अगे इक कमासान दा युद्ध हुंदा है और इस युद्ध दे अंदर परिवार विछड़दा है। इत्थे परिवार विछोड़े दी गल मैं बाद विच आप संगतां दे नाल सांझी करांगा। इत्थे कुछ विशेष हस्तियां दा जिक्र करना बड़ा उचित रहेगा, योग है। उस धरती नूं नमस्कार करनी, शहीदां दी धरती नूं ते उन्हां महान शहीदां नूं नमस्कार करनी, ये भी साडा इखलाकी फर्ज है, अपना सारिआं दा ये फर्ज है। कुछ गिनती दे 4-5 महान शहीद गुरु के नाल जूझन वाले खत्म होने वाले मैं उन्हां दा जिक्र तरतीब वार कर रहा आप संगत दे सन्मुख। नंबर 1 दे उत्ते जिक्र आउंदा है भाई हेम सिंह जी दा। भाई हेम सिंह कुछ सिंघां दे जथे समेत गुरु गोविंद सिंह पातशाह तों अगे अगे जा रहे ने। 100 सिंघां दा जथा इन्हां दे नाल है
ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ख्याल करो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बड़ी दूर अंदेशी दे नाल व्योंत बंदी बनाई है। एक पासे चल रहे ने भाई जैता जी जेडे गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीस लेके पहुंचे सन आनंदपुर साहब, एक पासे कवच बन के रखवाली कर रहे ने भाई जैता जी, दूसरे पासे रखवाली कर रहे ने भाई उदय सिंह जी, अगले पासे चल रहे ने भाई हेम सिंह जी, पिछले पासे आ रहे ने भाई बचित्र सिंह, अखीर तो सब तो पिछे सार संभाल करदे आ रहे ने भाई बुढ़ा सिंह ते साहिबजादा अजीत सिंह, सब तो मगर ने, सब तो पिछे ने, सब तो अगे चल रहे ने भाई हेम सिंह। भाई हेम सिंह दा इतिहास दे पन्नियां दे उत्तों जो जिक्र मिलदा है, भाई हेम सिंह जी राजपूत कनायत जात दे नाल संबंध रखण वाले ने। भाई हेम सिंह जी, भाई हेम सिंह जी लखी राय दे बेटे ने। लखी राय दा ना शायद तुहाडे मना विच कोई भुलेखा पैदा करे, प्रचलित ना इन्हां दा लिया जांदा है लखी शाह वणजारा। यह लखी शाह वणजारा इन्हां नूं क्यों कहा गया, ना तो इन्हां दा है लखी राय, पर यह शाहूकार बड़े ने, ते शाहूकार होने दे नाते लखी नाम दे नाल शाह लफज जुड़ गया। वणजारा क्यों कहिंदे ने, क्योंकि इन्हां दे कोल तकरीबन तकरीबन दिल्ली दे अंदर उस वक्त हजार गड्डा हुंदा सी, हजार गड्डा, ते हजार गड्डियां दे बड़े वड्डे व्यापारी सन, ते व्यापारी नूं उस वक्त दे अंदर कह दिंदे सन वणजारा। गुरबाणी दे अंदर लफज आउंदा है वणजारा, पहले पहरे रहण के वणजारिया मित्रा। वणजारा मित्र किनूं कहिंदे ने, जो वणज करन वास्ते आया, वणज मैने व्यापार, ये व्यापारी ने वणज करना जानते ने, वणज करन दे नाते ना दे नाम दे नाल लकब जुड़िया वणजारा, लखी शाह वणजारा। भाई हेम सिंह जी दे पिता ने भाई लखी शाह वणजारा, भाई लखी शाह वणजारा दे पिता ने भाई गोदू जी, ते भाई गोदू जी दे पिता ने अगे जाके भाई ठाकुर जी। उदो अजे सिंह लफज नहीं सी चलिया, पर राजपूतां दे अंदर ये लफज चलदा सी। ये भी बेनती करदा चला, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲੀ, ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਪਾਠ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ, एक पहला ना, एक मिडल ना विचकारला, एक लास्ट वाला ना, तीन ना ने। और अजकल तकरीबन तकरीबन फार्मा दे अंदर भी तीन ना, फर्स्ट मिडल ते लास्ट नाम, ए तिने कालम तुहानू मिलदे भी ने। खैर बेनती करा, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने छूट दिती, आखिया जेड़ा पहला ना रखना है बच्ची दा नाम, बच्चे दा ना ओ तू अपनी मर्जी दे मुतलक रख सकना है, अपनी मर्जी दे मुताबिक पहला ना चोन कीता जा सकदा है, जेड़ा विचकारला ना है ओ ना मेरे वल्लों दित्ता होया। पातशाह ने ते दो ही पाठ बनाए ने, उन्हां ने तीन नहीं बनाए, तीसरा पाठ उन्होंने जड़ों खत्म किया है, जात वाला पाठ उन्होंने खत्म किया है, जात वाली दलदल उन्होंने मिटाई है, उन्होंने ना दे बनाए ने दो ऐसे। पहला ना चोन करनी ए तेरे उत्ते है, तू बच्ची दा ना की चुनना है, बच्चे दा ना की चुनना है, दूसरा ना लास्ट वाला ओ मेरा दिता होया रख ले, मैनू कोई इतराज नहीं, तू मेरा चुनिया ना बाद विच रखे, मैनू कोई इतराज नहीं। सिंह लफज नाल जोड़ पर बाद विच, कौर लफज नाल जोड़ पर बाद विच, पहला तेरी छूट है जेड़ा मर्जी ना रख। पर असी डिगदे डिगदे इथों तक डिग गए कि जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा ना दिता है सिंह ते कौर ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਬ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੁਣਿਆ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਲਦਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾਤ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸੰਧੂ, ਫਲਾਣਾ ਗਿੱਲ, ਫਲਾਣਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਫਲਾਣਾ ਸੱਗੂ, ਫਲਾਣਾ ਚਾਵਲਾ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਖੀਜਾ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਾਇਬ ਤੇ ਕੌਰ ਵੀ ਗਾਇਬ। ਔਰ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ,
गुरु का बख्शिया होया ना ते पास रख नहीं रहे। अज लिख भी इस तरह रहे हो ते बोल भी इस तरह रहे हो।